नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वट सावित्री व्रत का महत्व और इसकी पूजन विधि बताने जा रहे हैं। वट सावित्री व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना से रखा जाता है। यह व्रत सावित्री द्वारा दिखाए गए दृढ़ संकल्प और पति की भक्ति को दर्शाता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत संतान प्राप्ति और अखंड सौभाग्य के लिए भी रखा जाता है। श्रद्धा अनुसार कई जगहों पर यह व्रत 3 रातों तक मनाया जाता है और 4th दिन व्रत खोला जाता है। वहीं कुछ जगहों पर महिलाएं केवल पूर्णिमा के दिन इस व्रत को करती हैं। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री और सत्यवान की कथा कहती हैं। दोस्तों, सत्यवान और सावित्री की कहानी का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से यह कथा सुन सकते हैं। वट सावित्री पूजन के लिए प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर विवाहित स्त्री 16 श्रृंगार करें और वट वृक्ष के नीचे सत्यवान और सावित्री की मूर्ति स्थापित करें, लाल रंग के वस्त्र चढ़ाएं और वट वृक्ष देवी सावित्री और सत्यवान की एक साथ पूजा करें। इसके बाद बांस के बने पंखे से सत्यवान और सावित्री को हवा करें और वट वृक्ष के पत्तों से 5, 7 या 11 गहने बनाकर इन्हें पहनना चाहिए। इसके बाद प्रार्थना करते हुए लाल मौली और सूत के धागे से वट वृक्ष की 7, 11, 21, 51 या 108 परिक्रमा कर सकते हैं और आखिर में वट सावित्री व्रत कथा सुने और घर आकर अपने बड़ों के पैर छुएं, उसी बांस के पंखी से अपने पति को हवा करें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। शाम को मीठे के साथ आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी वट सावित्री व्रत की पूजन विधि। आगे भी ऐसी जानकारियों के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।